नमस्कार दोस्तों, मैं स्वास्थ्य बुदौलिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जानने वाले हैं नया टॉपिक, क्योंकि एफोरिज्म बेस पे हम बात करेंगे। आज तो हम बात करेंगे कि केस टेकिंग में कौन कौन से एफोरिज्म में क्या क्या बताया गया, डॉक्टर हनुमान सर ने हमें क्या क्या सलाह दी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट व्यू। उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आगे आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। तो बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल जो पार्ट हुआ है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में पहले सबसे पहली जो वीडियो मेरी थी वो थ्योरेटिकल पार्ट पे थी, 1 aphorism to 70 aphorism तक। 70 aphorism के बाद मैं आप डालूंगा। तो पहले मैं केस टेकिंग डालना चाह रहा हूँ, जिससे कि लोग केस टेकिंग के बारे में समझें कि केस टेकिंग क्या है। तो प्रैक्टिकल पार्ट का मैं पहला व्यू डाल रहा हूँ। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है वो 71 से स्टार्ट होता है, 291 तक चलता है। तो पहला जो व्यू है वो 71 aphorism में 3 points necessary for cure बताया गया है। इसके अंदर पहला वाला investigation of the disease, इसमें मैं अभी आपको 81 तक नहीं बताऊंगा, 72 to 81 disease का है। इसमें 16 psychosis, syphilis, miasm वगैरह हैं, जिनको मैं बताऊंगा अलग से। miasm में वीडियो डाल रहा हूँ, उनमें अलग से बताता जा रहा हूँ कि इस aphorism से इसका रिलेशन है। और आज मैं बात करूंगा 82 to 104 केस टेकिंग के बारे में। तो 82 में स्पेशली केस टेकिंग ऑफ एक्यूट डिसीज के बारे में बताया है, साथ में इंडिविजुअलाइजेशन, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन का होम्योपैथी में बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर हनुमान सर ने इसमें इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में बताया है। साथ में 83 में क्या है, जो केस टेकिंग है क्रॉनिक केस की, उसमें साथ में फिजिशियन को कैसा होना चाहिए। तो फिजिशियन को कभी भी प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज। साथ में साउंड सेंसेस, छोटी से छोटी चीज को वो ऑब्जर्व करे, अटेंटिव के साथ। क्या क्या, फेथफुलनेस की जो फ्रेडिलिटी जो आती है उससे वो दूर रहे। साथ में विदाउट किसी भी सिम्टम के ओमिशन के, कोई भी सिम्टम ओमिट नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट क्या बोल रहा है उसकी लैंग्वेज में हम सिम्टम रिकॉर्ड करना है। तो ये फिजिशियन की कुछ क्वालिटीज हैं, फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज, साउंड सेंसेस एंड अटेंटिव। इसके बाद बात करते हैं 84 aphorism की। 84 aphorism में क्या आता है, केस पेशेंट को फ्रीली बोलना देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, और पेशेंट को बीच में टोकना नहीं है। इंटरप्शन करोगे तो वो सही नहीं बता पाएगा, जो बताना चाह रहा है वो नहीं बता पाएगा, इसलिए उसे फ्रीली माइंडेड करो, जो उसको कहना है कहने दो, साथ में रिकॉर्ड करते रहे। 85 में क्या है, हर सिम्टम को नई लाइन से रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि जो वो सिम्टम बता रहा है और दोनों लाइनों के, दोनों सिम्टम के बीच में गैप रखना है, जिससे कि आगे हम उसको रिकरेक्ट करेंगे, कि उसको क्लियर करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ ये चीज सही है या नहीं है। अब 86 में क्या है, हर सिम्टम को ग्रैंड सिम्टम के रूप में नोट करना है, साथ में इंक्वायरी भी करना है, कंफर्मेशन भी तो चाहिए ना कि वो सिम्टम सही है या नहीं है। एफोरिज्म नंबर 87, कोई भी लीडिंग क्वेश्चन पेशेंट से नहीं पूछना है, अगर लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा। और साथ में पेशेंट से और प्रिसाइज और डिटेल पूछना है सिम्टम के बारे में, कि ऐसा ऐसा कैसे होता है, मतलब डिटेल्ड पूछना है। अगर उसको सिरदर्द हो रहा है कहाँ हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, ये हमें जानने की जरूरत है। साथ में 88 aphorism में क्या है, 88-89 दोनों में इंक्वायरी है पेशेंट की, और उसे फ्रीली फ्री कर दो बिल्कुल, कि आप अपनी लैंग्वेज में हमें बताइए। 88 में पेशेंट की ऑन लैंग्वेज में हमें लिखना है कि जो पेशेंट बोल रहा है वही हम नोट करेंगे। डॉक्टर हनुमान सर ने मटेरिया मेडिका प्यूरा में यही किया है, इसलिए इसको प्यूरा कहते हैं, क्योंकि उनने पेशेंट ने जो बोला उसकी लैंग्वेज में सिम्टम नोट कर दिए। उसके बाद अपना और 89 में जो सिम्टम बोल रहा है उसके और अंदर जाना है, कि इस चीज किस तरीके से हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों इस चीज को हो रही है, तो उसको अंदर से जानने की कोशिश करें। 88, 89 और 94 एफोरिज्म के फुट नोट में हमें पेशेंट की, अगर फीमेल पेशेंट है तो उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेना नहीं भूलें।
साथ में अगर हम इनको भूलते हैं तो ये हमें पेशेंट को क्योर करने में प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि सब सारी चीजें हम कवर करके चलेंगे तो हम एक परफेक्ट टोटालिटी का फॉर्म कर पाएंगे। 90 एफोरिज्म में ऑब्जर्वेशन है, फिजिशियन का क्या ऑब्जर्वेशन है, साथ में 90 के फुटनोट में फिजिशियन को ऑब्जर्व करना है, साथ में अटेंडर जो उसके नहीं बता पा रहे हैं या पेशेंट नहीं बता पा रहा है वो मतलब सब्जेक्टिव सिम्टम की ओर ज्यादा ध्यान देना है, साथ में पेशेंट के स्पिरिचुअल इमोशनल और जो मेंटली सिम्टम है और जो सोशल और फिजिकल जो उसका बिहेवियर है और किस तरीके से वो इन सब चीजों को दिखा रहा है वो सब पेशेंट को फिजिशियन को पेशेंट से ऑब्जर्व करना है, या सब्जेक्टिव सिम्टम या ऑब्जेक्टिव सिम्टम के रूप में लेना है। बात करते हैं 91 एफर्ट्स में, तो प्रीवियस जो ट्रीटमेंट है उसकी हिस्ट्री लेना है, प्रीवियस ट्रीटमेंट में क्या लिया है, कौन से एलोपैथिक से दिखाया है, होम्योपैथिक फिजिशियन से दिखाया है, आयुर्वेदिक फिजिशियन से, या कौन से ड्रग्स का उसका और साथ में उसकी क्या पर्सनल हैबिट्स हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। साथ में 92 एफोरिस में क्या है, एक्यूट डिसीज का केस टेकिंग, जो केस टेकिंग में एक्यूट डिसीज के बारे में है स्पेशली पेशेंट से प्राइवेटली क्वेश्चन करें, उसके साथ कोई है वो उसके सामने नहीं बता पा रहा है तो उसे कहें भैया आप थोड़े से बाहर जाइए मैं पेशेंट से जानना चाह रहा हूँ, उसे उसकी पर्सनल सिम्टम हम जानने की कोशिश करें। 93 में सेम प्रोसेस है, बस प्राइवेटीकरण को मानो 92 में, और इसमें और डिटेल इतना ले सकते हो आप 93 में ले लीजिए एक्यूट डिसीज की। अब 94 में क्या करना है, मेंटेनिंग कॉज के बारे में हमें इंक्वायरी करना है कि मेंटेनिंग कॉज की जो इसको मेंटेन, क्योंकि चूंकि क्रॉनिक डिजीज की बात करने लगे तो मेंटेनिंग कॉज के बारे में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटेनिंग कॉज मतलब जो जो डिसीज को मेंटेन रखते हैं, इसमें फंडामेंटल कॉज वगैरह सारे आ जाएंगे, म्याज्मा जाएंगे, सोरासाइकोसिस, सिफिलिस। बात करते हैं 95 एफोरिज में, 95 एफोरिज में एसेसरी सिम्टम ऑफ द पेशेंट लेना है हमें, साथ में पेशेंट के एक सिटिंग में हम सारे सिम्टम नहीं ले पाएंगे तो इस चीज पे विशेष गौर रखना है कि हम पेशेंट को रिकॉल करें, उसका दोबारा से बुलाएं। और डॉक्टर हेनवेंसन ने ऐसा भी बताया है कि अगर आप पेशेंट की केस चेकिंग सही से नहीं ले पा रहा है और रेमेडी सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें कि प्लेसिबो दे उस जगह पे, क्योंकि कैंटसन ने सेकंड बेस्ट रेमेडी बताया है इसको, तो इस पे विशेष ध्यान दें। 96 एफोरिज्म में हाइपोकॉन्ड्रिट पेशेंट के बारे में बताया डॉक्टर एनवेंसन ने, तो हाइपोकॉन्ड्रिट पेशेंट या हाइपर सेंसिटिव पेशेंट के बारे में, तो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट क्या अपनी चीज को बात को बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अब अगला 97 इंडोलेंट पेशेंट या मॉडेस्ट पेशेंट, तो इंडोलेंट पेशेंट क्या अपनी बात को बता नहीं पाते हैं, इसका कारण मॉडेस्टी भी हो सकता है या फिर उनके माइंड की स्लगिशनेस या डलनेस हो सकती है। अब बात करते हैं 98 एफोरिज्म में, 98 एफोरिज्म में डॉक्टर हेनवेंसन ने कहा है कि हमेशा ऑलवेज एनालाइज द पेशेंट, के सिम्टम्स के आधार पर उसको पेशेंट को एनालाइज करें, साथ में ये चीज पे हमें विशेष ध्यान रखना है कि पेशेंट की लैंग्वेज में ही सिम्टम को नोट करना है जिससे कि क्लियरेंस हो जाएगा कि वो पेशेंट किस तरीके से हमें बताना चाह रहा है और हम क्या उसको बता रहे हैं। और अगला 99 एफोरिज में क्या है, जो एक्यूट डिसीज का इंडिविजुअल फॉर्म है उसको उसमें किस तरीके से केस टेकिंग हमें लेना है, एक्यूट डिसीज का नॉर्मल जो वे है उसमें हम केस टेकिंग कैसे लेंगे, इसके बारे में डॉक्टर हेनमन सर ने बताया 100, 101 एंड 102 एफोरिज में एक्यूट डिसीज का एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक फॉर्म के बारे में बताया है, साथ में 102 में जीनस एपिडेमिकस के बारे में भी डॉक्टर हेनमन सर ने हमें बताया है। बात करते हैं एफोरिज नंबर 103, एफोरिज नंबर 103 एवं 104 में कॉमनली मिला के इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोरा एंड क्रॉनिक डिसीज के बारे में बताया है जिससे कि पता चलेगा कि जो कि म्याज्म का बेस है, बेस ऑफ ऑल म्याज्म सोरा है, इस सोरा की वजह से कौन सी क्रॉनिक डिजीज किस तरीके से जनरेट हो रही है, किस तरीके से वो बॉडी में अपियर होगी, तो सोरा के लिए मैं पहले अपनी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर वहां पे वीडियो देख लें। अब बात करते हैं 104 एफोरिज्म की, तो 104 एफोरिज्म में क्या है,
डॉक्टर हनीमन सर ने टोटालिटी ऑफ पिक्चर या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम्स किस तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग मेन वर्ड है रिकॉर्ड कीपिंग, उसको कैसे मेंटेन रखना है, किस तरीके से करना है, साथ में पिक्चर ऑफ डिसीज या पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज के बारे में भी बताया, जिससे कि परफेक्ट टोटालिटी बनेगी और परफेक्ट डिसीज का हम ट्रीटमेंट कर दें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो बताए गए वो आपको अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।